गाजियाबाद के थाना मुंडा पांडे क्षेत्र में बरसात होने से कुछ किसानों को तो फायदा हुआ है, लेकिन कुछ किसानों को बारिश के चलते जल भराव सा हो गया है, जिसकी वजह से धान की फसल में काफी नुकसान हो सकता है। और कुछ किसानों को बारिश से धान की फसल में काफी फायदा हुआ है, जिससे वे अपने खेतों में धान की फसल लगा सकते हैं। और जिन लोगों ने धान की फसल लगा दी है, उनकी फसल में जल भराव सा हो गया है और ऐसा लग रहा है जैसे कोई तालाब सा हो जाता है, जिसकी वजह से सभी किसानों की फसल बर्बादी की कगार पर है। दलपतपुर, नियामतपुर, इक्टोरिया व अन्य कुछ गाँव ऐसे हैं जिन किसानों के खेतों में काफी पानी भरा है। पानी भरने की वजह NHAI में कोई भी पानी के आने जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं बनाया गया है, जिसकी वजह से किसानों के खेतों में काफ़ी पानी भर गया है, जिससे धान की फसल खराब हो सकती है। सभी किसानों का कहना है कि बाईपास के नीचे से पहले पानी निकल जाता था, लेकिन अब वह नाले बंद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से पानी नहीं निकल पाता और हमारे खेतों में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से हमारी फसल बर्बाद हो जाती है। मेरा नाम विकास यादव है जी, भारतीय किसान यूनियन से युवा जिला उपाध्यक्ष मुरादाबाद से। ये जो NHAI वाले हैं, ये अब जो बरसात हुई है, इसमें जो है फिर से NHAI वालों ने यहाँ पे जो है जो किसानों की फसल बर्बाद हो रही बारिश के कारण, तो इन्होंने पानी का कोई भी निकास का कोई जो है प्रबंध नहीं करा। किसानों की फसलें देखी, ये खड़ा है, चले धान लगे हुए हैं, कितना पानी भरा हुआ है। बारिश की वजह से कोई निकास होता तो किसान की फसल तो बचती, अभी अगर कल को धूप निकल जाती है तो किसान की फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। और बर्बाद है किसान, ना ही प्रशासन कोई गौर कर रहा है इस पर, ना ही शासन कोई गौर कर रहा है। अब इसका भी जो है किसानों के लिए मुआवजा देना चाहिए। भारतीय किसान यूनियन लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है जगह जगह, सारे टोलो बैठे हुए हैं, काले बिल हैं, जितने कानून बनाए हैं उनकी भी जो है वार्तालाप चल रही है लगातार, वो भी सरकार वापसी नहीं ले रही है। अब बताइए, सरकार को कोई आवाज़ पहुंच रही है सरकार के पास में? कोई आवाज़ नहीं पहुंच रही है। किसान तो बेचारा घाटे में ही है। अच्छा, जैसे अब धान की फसल लगा हुई है, ये लगा चुके हैं किसान, तो इसमें धान अब सही होगा या नहीं होगा? नहीं, इसमें तो फसल बर्बाद हो गई। क्या वजह, क्या पानी निकल रुकने की क्या वजह है ऐसी जो पानी रुका हुआ है? ये वजह अब ये जो सही है NHAI वालों ने ये बाईपास ये डाला है, जो हाईवे है बना हुआ, यहाँ पे पानी का कोई निकास नहीं है। किधर की दोनों तरफ जो है रोड के दोनों तरफ पूरी तरीके से बाढ़ की स्थिति पैदा हो रही है, पानी का कोई निकास निकलने नहीं है, इसलिए किसान की फसल ही बर्बाद हो रही है। इसका भी जो है मुआवजा किसान को मिलना चाहिए। धान नहीं हो पाएगा? अब नहीं, कोई धान नहीं हो पाएगा, सब डूबा पड़ा। देखिए आप कितना पानी भरा। कौन सा क्षेत्र है ये? ये मुंडा पांडे में है। मेरा नाम है गुलाम मुस्तफा। ये बारिश पड़ रही है, किसानों क्या फायदा है इससे? इससे ऊपर वाले की दुआ से बहुत फायदा हुआ इससे। क्या क्या फायदा? घास का फायदा, क्या घास का भी फायदा, घास भी मरेगी, धान भी बढ़िया होगा, तरक्की लेगा, धान भी कृषि आके आगा बढ़िया पेड़ मेला करके आगा भाई, मेला करके। अच्छा, ये अड्डे पे जाम लग रहा है, किस चीज का जाम है? ये जो भूतपुर का जो मेला चल रहा है, इधर से दरकू उसका जाम है। मेला बहुत तगड़ा चल रहा है, बहुत भूतपुर में बहुत तगड़ा मेला है। कितने समय जाम रहा है यहाँ पर जी? कितने टाइम जाम रहा था यहाँ पर? यहाँ तो ऐसे रहा करीब बार बार जाम आ रहा लग रहा जाम, बहुत बार बार में लग रहा, 10-15 मिनट। अच्छा, जैसे कोरोना जैसी महामारी चल रही है, इसके चलते ये काम सही हो रहा है, गलत हो रहा है? नहीं तो ये तो काम साहब गलत है। पुलिस प्रशासन क्या रोक करेगा इस पर? हाँ, पुलिस को रोकनी चाहिए।